हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बैंगन का भरता, कुछ अलग तरीके से बना रही हूँ। तो चलिए देखिए मैं किस तरीके से बना रही हूँ। तो मैंने पहले बैंगन, आलू, प्याज और टमाटर को बॉईल कर लिए हैं, क्योंकि कुछ अलग तरीके के बनाऊँगी मैं। और उसको अच्छी तरीके से मैंने छील लिए हैं, और छीलने के बाद देखिए मैं इसको फ्राई करूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिए थोड़ी सी सरसों का तेल, यानी कि 2 चम्मच। यहीं पर कुछ मसाले मैंने कट करके रखे हैं, यानी कि जो है खड़े मसाले, अदरक लहसुन और हरी मिर्च, साथ में प्याज। तो बने रहिए पूरे वीडियो में, देखिए मैं किस तरीके से बना रही हूँ कुछ अलग तरीके की बैंगन का और जो भरता मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया थोड़ा सा जीरा। जीरा डालने के बाद मैं डालूँगी जो हरी मिर्च और लहसुन मैंने कट करके रखे हैं। यहाँ पर देखिए तो सारी चीज़ों को मैंने कट करके रखे अपनी क्वान्टिटी में जितने मुझे बनाने हैं। तो और जो पके हुए बैंगन यानी कि भून के बैंगन, तो हमेशा मैं तो यहाँ पर मैंने मिर्च और लहसुन मैंने ऐड कर दिया, साथ के साथ अदरक और प्याज भी। उसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। और इसको जो बैंगन और टमाटर का जो है भरता हूँ, मैं पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ, बट वो उसको मैंने गैस पे पका के मैंने भून के बनाई थी, बट मैं यहाँ पे बॉईल करके बना रही हूँ, क्योंकि बॉईल करके भी आप भरता बनाइए बहुत टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने जब बॉईल किए थे तो मैंने 1 बैंगन, 1 बड़े साइज प्याज, 3 टमाटर और साथ के साथ मैंने 2 आलू बॉईल किए थे। और जब भी झटपट अगर भरता बनाना हो इस तरीके से, तो आप बॉईल करके बनाएं, बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत ही यम्मी लगते हैं खाने में। तो यहीं पे मैंने सारे फ्राई कर लिए, ज़्यादा मैंने नहीं फ्राई किए हैं प्याज को। यहीं पे मैंने थोड़ी सी मिक्स मसाला मैंने डाली है, इसके अलावा और ज़्यादा मसाला मैं ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि बैंगन के भरता में ज़्यादा मसाला अच्छे नहीं लगते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मिर्ची पाउडर डाल दी है, वैसे मैंने हरी मिर्च मैं ऐड कर रखी हूँ, क्योंकि ये तीखा बनाना थोड़ा सा चटपटा, बट चटपटा जो मुझे बूढ़े मसालों से नहीं आते हैं, पीसे हुए मसालों से। आप अदरक लहसुन से भी जो है चटपटा इसका बना जाते हैं, खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, यम्मी लगते हैं। तो यहाँ पर जितने भी है, मतलब जो प्याज, टमाटर, बैंगन, आलू, इसको अच्छी तरीके से मैंने छील लिए साफ करके। उसके बाद मैंने इसको जो हाथों की मदद से इसको अच्छी तरीके से मैंने मिला लिए हैं, आप देख पा रहे होंगे आपस में मिल गए हैं। इसका जो टेस्ट है थोड़ी अलग होते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में, और ये झटपट बन के तैयार हो जाते हैं। ना आपको गैस पे पकाने की झंझट है, ना ही गैस गंदा होंगे, ना ही आपको छिलने की इतना प्रॉब्लम होंगे। बहुत इजली तरीके से छिल भी जाते हैं और बहुत इजली तरीके से बन भी जाते हैं। तो ये मैंने डाल दिए हैं नमक। आप अगर थोड़ा खट्टा खाते हो तो यहीं पे आप थोड़ा सा नींबू निचोड़ दें, बहुत टेस्टी लगते हैं नींबू निचोड़ने के बाद। आप चाहे तो यहाँ पे थोड़ा चाट मसाला भी डाल सकते हैं, बट मैं यहाँ पे चाट मसाला नहीं डालूँगी, क्योंकि जो है बैंगन का भरता इसकी खुद की एक अच्छी सी फ्लेवर होती है। अगर मैं चाट मसाला डालती हूँ तो उसकी इसमें खुशबू आने लगेंगे। मैं यहाँ पर मैं कोई भी मसाले नहीं डालूँगी, क्योंकि मैंने वैसे जो है अदरक लहसुन और मिर्च और जो है प्याज की जो खुशबू है वो बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो उसकी खुद की भी एक फ्लेवर होते हैं, वो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। बस मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मैंने काली नमक मैंने डाल दी है, इससे जो टेस्ट है ना दोगुना हो जाते हैं, और इसकी जो टेस्ट है एकदम बहुत डिफरेंट लगते हैं खाने में। यही भी मैंने चुटकी भर मैंने गरम मसाला मैंने डाल दिया, अगर आप खाते हैं तो ऐड करें वरना ना करें। यहाँ पर तो मैंने यहाँ गर्म मसाला और काली नमक मैंने ऐड कर दी है। आपके पास अगर धनिया पत्ता है तो वो ऐड कर दें, मेरे पास नहीं थे मैंने नहीं ऐड किए हैं। तो फाइनली यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ी सी जीरा पाउडर मैंने ऐड की है भुने हुए, और इस जो भरता है ना बहुत टेस्टी लगते हैं। रोटी के साथ खाइए, पराठा के साथ खाइए, या आप मतलब जो है दाल चावल के साथ खाइए, तो ये अपने आप में बहुत टेस्टी भरता बन के तैयार होते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करें। फाइनली जो है भरता बन के बिल्कुल मेरे तैयार हो गए हैं, मैंने अच्छी तरीके से इसको भून भी लिए हैं, कलर भी देख रहे हैं कितने अच्छे हुए हैं। ये रहे फाइनली भरता की रेसिपी। तो कैसा लगा आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। बाय।